नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। तिरंगा रैली के दौरान बलिया एसपी एस आनंद का संदेश, बड़े बड़े त्याग और कुर्बानियों के बाद मिली है हमें आजादी। आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का आज हम ले संकल्प। खबर जनपद बलिया से, एसपी एस आनंद ने स्वतंत्रता दिवस के पहले अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों के लिए एक बड़ा संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा, आजादी के बाद हमारे देश ने बहुत अच्छी तरक्की की है। आज हम दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था है और आगे हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पहले नंबर पे पहुंचेंगे। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यह आजादी हमें बड़े ही त्याग और बलिदान के बाद मिली है। हम सबको इस अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने अंदर यह भावना पैदा करनी होगी, आजादी के महत्व को समझना होगा और याद रखना होगा। आगे कहा, आजादी के मतवालों से प्रेरित होकर आज हम यह संकल्प करें कि इस देश के लिए हमें कुछ योगदान करना है। देखिए, ये जो वर्ष है ये हमारे आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों में हमारे देश ने अच्छी तरक्की की इस दौरान, और आज हम दुनिया की पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आए, और आगे ये सबको विश्वास है कि हम पहले नंबर पर पहुँचेंगे। इसके लिए हमारे देशवासियों का योगदान बड़ा आवश्यक है, जैसे अब तक होता रहा। और इस अवसर पर हम सभी को ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे परिवार से लेकर समाज तक और देश तक इस बात की भावना पहुँचे कि हमारे जो आज़ादी मिली है, इसमें बहुत बड़े बड़े त्याग लोगों ने किए हैं, बलिदान किए हैं, तब हमारी स्थिति में है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उन सबके इस त्याग को और बलिदान को याद रखें हमेशा, और उससे प्रेरित होकर हम भी अपने लिए ऐसा संकल्प करें कि देश के लिए हम कुछ योगदान। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पुलिस लाइन से झंडारोहण के बाद टीडी कॉलेज बलिया के रास्ते होते हुए फ्लाईओवर से उतरकर बिशुनपुर होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पुलिस के जवानों के साथ राष्ट्रीय गान गाया। उसके बाद भारत माता के जय के गगनचुंबी नारों के साथ यात्रा समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, क्षेत्राधिकारी नगर एस एन वैभव पांडे, प्रतिसार निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित पुलिस कार्यक्रम के सभी शाखा प्रभारी के साथ भारी संख्या में महिला आरक्षियों के साथ पुलिस के जवान मौजूद रहे। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से आसिफ हुसैन जैदी की रिपोर्ट।